पुराने बेडशीट का यूज़ करने वाली हूँ। सिर्फ दो टुकड़े की ज़रूरत है, दो टुकड़ा करेंगे। हेलो फ्रेंड, सुधा फैमिली ब्लॉग में स्वागत है आपका। आज मैं ये पुराने बेडशीट का रीयूज़ करने वाली हूँ। तो ये बेडशीट अभी कलर भी इसका सही है, ये तो मैं उल्टा कलर उल्टा तरफ से फोल्ड करके इसको रखी हूँ, सीधा तरफ से मतलब कलर भी सही है इसका। और इस तरह के बेडशीट मैं बहुत लोगों के पास देखी हूँ, बहुत लोगों के पास। अगर आपके पास भी इस तरह का बेडशीट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो इसका कलर भी अच्छा है और मतलब अभी कपड़ा इसका इतना अच्छा है कि अभी इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और कपड़ा वैसा ही यूज़ करना चाहिए दोबारा कि कुछ समय तक चले। तो अभी फटा नहीं है ये। और इसका मैं बनाने वाली हूँ ये कूलर का कवर। तो अभी तो जब तक गर्मी रहता है तो कूलर कहीं भी इस तरह से रखे रहिए तो देखने में भी ख़राब नहीं लगता है, लेकिन जब गर्मी ख़त्म हो जाता है ना तो फिर समझ में नहीं आता इसको कहाँ रखें। और कहीं भी आप रख दीजिए तो मतलब लंबे समय तक पड़े रहता है तो गंदा भी हो जाता है। इसका कलर तो वाइट है, बहुत जल्दी वैसे भी अभी चलता है तभी भी गंदा हो जाता है, तो इसीलिए इसका कवर बना रही हूँ ताकि मतलब यहीं पे साइड में रहेगा, कवर लगा दूँगी तो गंदा भी नहीं होगा। और इसमें बेडशीट में प्लास्टिक की बोरी यूज़ करूँगी जिससे कि कवर लगाने के बाद भी जैसे उसमें गंदगी ना जाए, तो उसी के लिए मैं आज कवर बनाने वाली हूँ। वैसे तो अभी यूज़ हो रहा है, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये चिपचिपाहट वाला मौसम चल रहा है तो अभी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी तो इसका खाली कर दिए हैं। वैसे भी इस समय पानी कूलर में नहीं रखना चाहिए, जिससे डेंगू हो या कोई भी वायरल बुखार का डर रहता है, तो पानी तो इसका खाली कर दिए हैं। और इस मौसम में पानी चलाओ भी ना, अगर कूलर का पानी चलाओ तो चिपचिपापन जैसा हो जाता है, तो ऐसे ही बस पंखा चलाना होता है तो चला लेते हैं। तो अभी 10-15 दिन और यूज़ होगा तो मैं सोची पहले से ही इसका कवर बना के रख दूँ जिससे जब इसको रखना होगा, क्योंकि अब दिवाली की सफाई भी थोड़ी बहुत शुरू हो गई है तो उसी में ये भी हटी जाएगा। और इसका कवर का साइज़ जो भी मतलब जिसके पास जिस तरह के कूलर हैं उसके हिसाब से उसकी साइज़ अलग अलग रहेगी, तो मेरा जिस साइज़ का है उसी साइज़ का बनाएंगे और थोड़ा सा लूज रखेंगे जिससे अच्छे से कवर पहना सकें। तो ये बेडशीट का यूज़ करेंगे और प्लास्टिक की बोरी का। तो अभी चलते हैं इसका नाप ले लेते हैं। तो आज की वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसी तरह आप अपने यहाँ भी कूलर का कवर, अगर आपके पास भी इस तरह का रूम कूलर है तो आप उसका बना दीजिए जिससे वो पूरी ठंडी अच्छे से कवर भी रहे और देखने में भी अच्छा लगे कहीं भी अगर आप रखे हैं तो, और साथ में गंदा भी उसमें ना पड़े। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। कूलर को इस कूलर का कवर बनाने के लिए सिर्फ दो टुकड़े की ज़रूरत है, दो टुकड़ा करेंगे। एक सबसे ऊपर का जो रहता है उसका टुकड़ा करेंगे और बाकी एक ही में नीचे का राउंड का चारों तरफ का एक ही टुकड़ा में पूरे राउंड का रखेंगे। तो अभी देखिए इसकी 24 इंच है, तो 24 इंच इसकी लंबाई है, लेकिन मैं इसकी 26 इंच लूँगी क्योंकि 24 इंच है तो एक इंच सिलाई में चला जाएगा और एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 26 इंच लंबाई लेंगे। और 18 इंच है चौड़ाई इसकी, तो दो इंच इसमें भी, तो 20 इंच 26 और 20 इंच इसका लिख लिए। अब इसकी जो नीचे वाले की जितनी लंबी है वो लेंगे, नीचे की है 36 इंच है तो इसमें भी दो इंच बढ़ा के तो 38 लेंगे। तो लंबाई जो रहेगी नीचे वाले की वो 38 ही पूरे की रहेगी। अब इसकी जो लंबाई तो इसकी ले लिए जितना लेना है, और जो इसकी घेरा है उसके लिए ऊपर से ही नाप ले लेंगे।
इसका ऊपर का चारों तरफ का राउंड ले लिए हैं, तो 60 था और फिर 18 था तो 78 हो गया, 78 इंच, 80 इंच इसका पूरा घेरा का लेंगे। तो नाप इसी हिसाब से, इसका पूरा नाप ले लिए हैं तो इसी हिसाब से कपड़े का और प्लास्टिक की बोरी का कट करेंगे। तो बस दो ही टुकड़ा रहेगा प्लास्टिक की बोरी का, भले उसमें जोड़ना पड़े तो जोड़ के मतलब करेंगे, और एक बेडशीट में से तो जोड़ना नहीं पड़ेगा, बेडशीट में एक बराबर निकल जाएगा कपड़ा, प्लास्टिक की बोरी में खैर इतना बड़ा नहीं मिलता तो उसमें जोड़ना पड़ेगा, और ऊपर वाला एक टुकड़ा। तो इसी नाप से पहले कपड़ा कट कर लेंगे। कवर बनाने के लिए 3 आटे की बोरी को एक नीचे से खोल दिए हैं, तो इसका खोल दिए हैं, इसको काटे नहीं हैं, और एक साइड से इस तरह से इसकी कट कर दिए, तो इसी तरह से तीनों बोरी का कर दिए हैं, कट कर लिए हैं। अब इसको इस तरह से बोरी को रख के साइड साइड में एक एक बोरी पहले अटैच कर लेंगे, तो इस पर सिलाई चला लेंगे साइड साइड से, इधर के साइड से, तो इसको चौड़ाई के साइड में करके लिए हैं, तभी इसका कूलर का लंबाई का हो पा रहा है। तो इस तरह से करके तभी साइड साइड से तीनों बोरी को सिल लेते हैं। अभी प्लास्टिक की बोरी के नाप कट करने के बाद बेडशीट को पहले कट नहीं किए हैं, पहले प्लास्टिक की बोरी में अटैच कर लेंगे और फिर उसके बाद कट करेंगे। तभी प्लास्टिक की बोरी और बेडशीट को जितना लंबाई है, लंबाई के साइड से पहले उस पर सिलाई चला ले रहे हैं। तो अभी देखिए पूरे लंबाई में इस तरह से सिलाई चलने के बाद साइड से बस बेडशीट बच रहा है, और लंबाई में थोड़ा सा अभी और कम पड़ रहा है, तो जो साइड का कट करेंगे वही उसमें ऐड करेंगे और ऊपर वाला सबसे लास्ट में कट करेंगे। तो यही जो साइड से बचा है ना, इसी में से जोड़ के और फिर ऊपर वाले के लिए कट करेंगे। तो इसीलिए पहले बेडशीट को कट नहीं किए कि पहले प्लास्टिक की बोरी के साइज़ का देख लें, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा वो कट करेंगे। तो अब इसको कट करने के बाद दोनों का जो साइड का होता है वो सिल लिए हैं। सिलने के बाद पहले इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि बड़े साइज़ का कुछ बना रहे हैं तो चेक कर लेंगे कि नाप सही है कि नहीं। तो अभी साइड से सिलाई हो गई, देखिए सिर्फ नीचे वाला पूरा बना के और उल्टा साइड में ही करके बस इसको पहना के चेक कर लिए हैं कि इसके साइज़ का है कि नहीं, क्योंकि बड़े साइज़ का है, अगर नहीं आएगा इसमें तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी, तो पहले ही चेक कर लिए। थोड़ा थोड़ा साइड से लूज़ है तो उतना तो जब यहाँ पे ऊपर वाले के साथ इसको जॉइंट करेंगे तो प्लेट लगा देंगे तो वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा लूज रखना भी चाहिए, क्योंकि लूज रहेगा तभी यहाँ से मतलब अच्छे से इन हो पाएगा। अभी पूरा इधर साइड का हो गया है, अब बस ऊपर के साइड का प्लास्टिक की बोरी का भी कट करेंगे और फिर कपड़े का भी। तो अब ऊपर साइड के लिए अलग से एक प्लास्टिक की बोरी लिए हैं, क्योंकि 3 वाले में से उतना नहीं बचा था, और ये देखिए बेडशीट का भी साइड का 2 टुकड़ा जोड़ना पड़ा लंबाई में से काट के, तो काफ़ी घेरा के लिए बहुत ज़्यादा बेडशीट का यूज़ हुआ, तो इसीलिए मैं पहले कट नहीं करी थी ताकि पहले उसका सेट हो जाए। और ये तो छोटा टुकड़ा था, अगर नहीं भी इसमें से बचता तो कोई और कपड़ा यूज़ कर लेते। तो अब इसके नाप का दोनों पिन से पहले इसको अटैच कर लिए हैं, अब इसके चारों तरफ सिलाई चला लेंगे। तो सेम इसी तरह से आप चाहें तो वॉशिंग मशीन का भी कवर बनाएं, या कोई भी इस तरह के शेप का चीज़ हो तो आराम से इस तरह से कवर बना लें। अभी देखिए चारों तरफ से इसकी सिलाई हो गई है, अब ये छोटे वाले टुकड़े को अंदर की तरफ करके, और ये सीधा की तरह रहेगा, अभी बाहर से उल्टा दिख रहा है, अगर सिलाई मशीन पे रखेंगे तो ये सीधा है और जो घेरा वाला है वो उल्टा की तरफ है। फिर इस तरह से करके चारों तरफ और कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे एक एक प्लेट लगा देंगे जिससे कॉर्नर अच्छे से बैठ जाएगा और जो कपड़ा भी एक्स्ट्रा है वो भी सेट हो जाएगा। थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखिए ही, क्योंकि नीचे बैठ उसको अच्छे से जब उसको पहनाएंगे तब थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा चाहिए रहता है। तो अभी इसी तरह से चारों तरफ से पकड़ के सिलाई चला लेंगे। अभी देखिए कॉर्नर का प्लेट लगा रहे हैं, तो एक प्लेट लगाने से उसका साइड दूसरे साइड के लिए सीधा हो जाता है।
तो अभी देखिए नीचे के साइड का नहीं सिले हैं और फिर एक बार पहना के चेक करेंगे। तो मैं इस तरह से दो तीन बार मतलब थोड़ी थोड़ी सिलाई होने पे चेक कर लेती हूँ ताकि मतलब बाद में कुछ भी सिलाई खोलना ना पड़े। और मुझे सिलाई खोलना या कोई भी पुराने चीज़ की सिलाई खोल के फिर बनाना वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उलझन होती है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बार बार चेक करती रहूँ जिससे बाद में सिलाई ना खोलना पड़े। तो अभी देखिए पूरा अच्छे से चारों तरफ से एक बराबर सेट बैठ गया है। अब इसका नीचे का जो प्लास्टिक की बोरी और बेडशीट का एक में नहीं सिलाई चलाए हैं तो उसको मोड़ के अब उसको सिलाई चला के लास्ट सिलाई है तो उसको कर लेंगे। अभी देखिए ऊपर आपको दिखा रहे हैं कि जो थोड़ा सा उभरा हुआ है ना उसमें तार गई है, इसके वजह से कूलर का जो तार है वो है तो उसकी वजह से बराबर एक बराबर नहीं बैठा है। तो अब देखिए नीचे के साइड को इस तरह से मोड़ के सिलाई चला लेंगे तो लास्ट की फिनिशिंग की सिलाई हो जाएगी। देखिए कितना बढ़िया एकदम फिट एक बराबर। इसी तरह से अगर फुल्ली वॉशिंग मशीन है तो उसका भी कवर कुछ इसी तरह से बनेगा, नाप बस रहता है कि किस साइज़ का है तो वही थोड़ा बहुत कम अधिक, और सेमी वाला तो थोड़ा सा चौड़ा रहता है तो सेमी वाले का भी आप इसी तरह से मेन ऊपर का अलग से कट कर ले और घेरे का कट करके बस इस तरह से दो टुकड़े में बनाए। और प्लास्टिक की बोरी लगी हुई है तो अंदर गंदगी भी नहीं जाएगी, धूल गर्दा भी नहीं जाएगा, अगर कभी कवर गंदा हो गया तो फिर उसको धुल लें। तो देखिए एक बराबर कितना बढ़िया नाप का बन के तैयार हो गया है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।